नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक क्वेश्चन काफ़ी दिनों से पूछा जाता है, हमेशा ये क्वेश्चन मन में रहता है कि बैंक से म्यूचुअल फंड लूँ या ऐप से ले लूँ। और ऐप से ऑनलाइन लिया, आज तक तो कुछ ख़रीदा नहीं है ऑनलाइन, कोई फ्रॉड हो गया तो बताइए बैंक से लूँ कि क्या से लूँ। अगर आप मच फंड लेते हैं ना, कहीं से भी किसी से भी लेते हैं, तो म्यूचुअल फंड का एक एग्ज़ाम होता है एमफी का, सेबी के अंडर रजिस्टर्ड। वो एमफी एग्ज़ाम पास करने के बाद एक ARN नंबर मिलता है, हमें भी मिला है। वो नंबर जिसके पास नहीं होगा वो म्यूचुअल फंड में पत्ता भी नहीं ला पाएगा, कुछ कर ही नहीं सकता है। लोग कहते हैं कि मुझे म्यूचुअल फंड का काम करना है, पहले ये एग्जाम पास करके आना है बाबूजी। मिनिमम क्वालिफिकेशन यही है कि ARN नंबर अपना एमफी पास करके लाइए। अब आपका कहना है कि मैं म्यूचुअल फंड कहाँ से लूँ, यदि एडवाइजर से लेते हैं या ऑनलाइन ऐप से लेते हैं या वेबसाइट से खरीदते हैं या बैंक से खरीदते हैं, किसी भी सूरत में वो नंबर किसी ना किसी का लगेगा ही लगेगा। ऐप से खरीदें तो ऐप का नंबर लगेगा, वो ARN नंबर। वेबसाइट से खरीदें तो उसका भी अपना ARN नंबर होगा। बैंक से लिए तो बैंक का अपना ARN कोड होता है, एडवाइजर से लिया हमारे जैसे एडवाइजर से तो वो तो है ही, सबको अपना एक कोड होता है, आपके स्टेटमेंट पे वो लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है, समझ लीजिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। आप एडवाइजर से लीजिए, ऐप से लीजिए, इन्वेस्टर से लीजिए, कहीं से भी लीजिए, वो सारा का सारा ट्रांजेक्शन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से होता है। और यहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड है कौन कौन, SBI म्यूचुअल फंड, ICICI, HDFC, ICICI, सारे 44-45 कंपनी लिस्टेड है। तो आप जो भी पैसा देते हैं वो एक्सचेंज के थ्रू म्यूचुअल फंड में ट्रांजेक्शन होता है। आपका कहना है कि ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो गया तो क्या होगा, पैसा आपका इस म्यूचुअल फंड में है। इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि आप एक ट्रेन टिकट कटाते हैं, खिड़की से जाके ले लेते हैं, ऐप से लेते हैं, अलग अलग ऐप है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मेक माई ट्रिप है, कहीं से भी आप, IRCTC का तो सैकड़ों ऐप है, आपने ऐप से ले लिया या एजेंट से जाके ले लिया, खिड़की से खरीद लिया, खरीदा क्या टिकट IRCTC का, किसमें, राजधानी में खरीदा, स्लीपर में खरीदा, AC में खरीदा, जहाँ भी खरीदा, वो आपको एक टिकट मिल गया, PNR नंबर। अब ये मर जाए, हरा जाए, खो जाए, उससे क्या मतलब है, आपके पास टिकट है, ट्रेवल करेंगे। ठीक उसी तरह आपने मचमचमन खरीदा, फोलियो नंबर जनरेट हो गया, आपका अकाउंट नंबर ये सब मेंशन है, 1 लाख रुपए जमा किया, उसका कुछ वैल्यू है, जो भी है, अब ये मिल गया आपको। आपको इसमें क्या मिला, SBI मिला होगा, ICICI, HDFC, कुछ भी मिला होगा। अब ये आपके कागज आपके पास है, म्यूचुअल फंड एक बार जनरेट हो गया तो फोलियो नंबर मिल गया, कागज स्टेटमेंट आपको मेल पे है या फिजिकल कॉपी है। अब इसमें से एजेंट भाग गया, ऐप खत्म हो गया, वेबसाइट चला गया, क्या हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है, ये फोलियो नंबर है। आपको कभी ये सब ना मिले, फोलियो नंबर लेके जाइए, SBI खरीदे हैं तो SBI जाइए, SBI का अपना वेबसाइट, अपना ऐप है, अपना कार्यालय है, वहाँ जाइए, ICICI, HDFC, जो भी लिया है वहाँ जाइए, ये खत्म हो गया, उससे कोई मतलब नहीं। आप इसको ऐसे समझिए, आपने इंश्योरेंस एजेंट से कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट लिया और राह चलते एजेंट कहीं ऊपर चला गया, तो क्या आपका पैसा चला जाएगा? तो जो इंश्योरेंस आपने खरीदा है उस ऑफिस में जाएंगे और वो सारा काम करेंगे। तो इतना ही रोल है ऐप का, वेबसाइट का, एजेंट का, एडवाइजर का, इतना ही रोल है कि सड़क चलता, सड़क छाप एजेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं, चाहे ऐप हो चाहे वेबसाइट हो। खरीद आप मचमच फंड रहे हैं ये ध्यान रखना है, वो कागज फाइल में अटैच करके रखना है। ऑनलाइन आपको आता है, एक प्रिंट आउट कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट रखिए, वाइफ को बता दीजिए, फैमिली मेंबर्स को बता दीजिए, किसी और को चाहते हैं उसको बता दीजिए कि भाई यहाँ पैसे जमा किए हैं, ऊपर जाएंगे तो ले लेना। तो इस तरह से करके आप बता कर रखिए, फाइल में, डायरी में लिख के रखिए कि कहाँ कहाँ पैसा छोड़ा है। बहुत सारे ऐसे आदमी हैं, बहुत ऐसे आदमी हैं, 10 लाख इधर, 20 लाख इधर, ऊपर गए, पता ही नहीं किसी को, पैसा पड़ा हुआ है मार्केट में 10 साल, 20 साल, 30 साल से वहीं पड़ा हुआ है, वो गया बेटा, राम नाम सत्य, किसी को बताया ही नहीं था, चोर का पैसा था, चोरी में ही चला गया, वहीं सड़ रहा है पैसा। ऐसा नहीं करना है, बता के रखना है, अगल वाली को बताना है, बगल वाली को बताना है, अपने वाले को बताना है, बता के रखना है, जाएंगे कभी तो कोई उसका उपभोग कर सके ना। अब यहाँ पे बात है कि यदि आप बैंक से लेते हैं, मान लेते हैं ऐप से नहीं लेते, हमको डर लगता है, हम नहीं लेंगे, हम बैंक से लेंगे, आप बैंक गए मचमच फंड में, बोले 2 लाख रुपए डाल दो, तो बैंक वाला क्या करता है, कंप्यूटर पे पैन नंबर, अकाउंट नंबर, KYC आपका डालेगा और खरीद लेगा SBI कॉन्ट्रा फंड 1 लाख का मान लीजिए या 2 लाख का, ये कंप्यूटर स्क्रीन पे वही खटखट खटखट करके डालेंगे। ठीक उसी तरह हमारे ऐप से लेंगे, कहीं और से लेंगे, उसी तरह का कंप्यूटर स्क्रीन मोबाइल पे आ गया है, जितना चीज बैंक वाला डाला था उतना ही चीज यहां पे भी डाला जाएगा, वही पैन नंबर, वही आधार नंबर, वही एड्रेस, वही अकाउंट नंबर, KYC करने के बाद वही SBI कॉन्ट्रा फंड यहाँ भी खरीद लिया। तो SBI कॉन्ट्रा फंड यहाँ से खरीदा कि यहाँ से खरीदा, मेल पे सेम कागज आएगा, कहीं नहीं लिखा होगा यहाँ से खरीदा तो वहाँ से खरीदेगा, कोई मतलब नहीं, इसका कोड अलग है, उसका कोड अलग है, वहाँ पे छप के कोड आ गया होगा,
अलग अलग कोड है तो अलग अलग कोड आ जाएगा। खरीदा आपने SBI मचमच फंड। अब आगे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि SIP का डेट कौन सा होना चाहिए, महीने के शुरू में खरीद लें या लास्ट में इंतजार करें, लास्ट के मंथ में खरीदें। तो यहाँ पे डाटा अलग अलग है, वो मैं बता देता हूँ। पहले मैं ये बताता हूँ कि नौकरी है, सैलरी आपको आता है, कहीं भी नौकरी है, इंप्लाई है, सैलरी आता है, 1 या 2 तारीख को सैलरी आता है, 5 तारीख को पैसा कटा दीजिए, झंझट खत्म, मचमच फंड में चला गया। अगर आपका सैलरी 10 तारीख को आता है, 5 दिन के बाद 5 तारीख को SIP कटा दीजिए, 15, 16, 14 कभी भी कट जाएगा। और यदि आप बिजनेसमैन हैं और पैसा तो बिजनेस में आते जाते रहता है, तो 20 से 25 डेट सेट करके रखिए। 1 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख में भूल जाएंगे, खोपड़ी में याद रहेगा, आधा महीना बीत गया, अब म्यूचुअल फंड में पैसा झोंकना है, तो 15 तारीख को मेंटेन कर दीजिए पैसा, 15-16 को, 20 से 25 में कभी भी कट जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपने 20 सेलेक्ट किया है तो 18 को भी पैसा कट सकता है, 19 को भी कट सकता है, 20 को भी कट सकता है, 21, 22, 23 को भी कट सकता है, सैटरडे संडे ताम जाम होलीडे रहे, आगे पीछे कभी भी कट सकता है। इसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, स्टार मार के छोटा छोटा करके अंग्रेजी लिखा हुआ है, म्यूचुअल फंड सब्जेक्टिव मार्केट जल्दी जल्दी बोलते हैं ना, वो जल्दी जल्दी में लिखा हुआ है, स्टार मार के कभी भी काट लूंगा। आप कहेंगे मेरा 20 को क्यों नहीं कटा, क्लेम करूंगा, केस करूंगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि छोटा छोटा साइन भी तो किए हैं आप वहाँ पे स्टार मार के, तो पहले भी कट जाएगा, बाद में कट जाएगा, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो पैसा मेंटेन करना जरूरी है 5 दिन पहले ही। अगर आपका पैसा अकाउंट में हिट हुआ, 5,000 रुपये का हिसाब किए थे और पैसा 20 तारीख को नहीं मिला, या आपने 20 को मेंटेन किया, 18 को हिट कर दिया और 18 को पैसा है नहीं, आप तो कहेंगे मैंने 20 तारीख को कटता है, 18 तारीख को क्यों हिट किया, आपका बैंक से चार्ज कट जाएगा, मिनिमम बैलेंस चार्ज 500 रुपया खट से मैसेज आ जाएगा, सुबह सुबह दिमाग खराब, ये 500 कट गया, 18 तारीख को हिट हो गया, SIP डेट 20 है, किसी को कुछ नहीं बोल सकते, 2 दिन पहले भी 2 दिन बाद भी कट सकता है, इसलिए पहले मेंटेन करके रखिए, 3-4 दिन इधर उधर मेंटेन करके रखिए, नहीं तो आपका बैंक तो काटने के लिए तैयार ही है पैसा, बैंक, म्यूचुअल फंड नहीं, म्यूचुअल फंड को कोई मतलब नहीं बेचारे को, SBI कॉन्ट्रा फंड पैसा मांगेगा, जब आएगा उसके पास खरीदा जाएगा, बैंक खेलेगा, कोई भी बैंक हो, कोई भी म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, मेरा SBI बैंक में है तो क्या मैं ICICI खरीद सकता हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, मेरा PNB में है तो मैं दूसरा खरीद सकता हूँ, कुछ भी खरीद सकते हैं, बैंक में पैसा होना चाहिए, कोई भी म्यूचुअल फंड आप किसी भी अकाउंट से खरीद सकते हैं, अकाउंट से कोई मतलब नहीं है, SBI में, ICICI में, देना बैंक में, लेना बैंक में, यस बैंक में, नो बैंक में, किसी में भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस बैंक में पैसा होना चाहिए, ये पैसा है, हम 45 म्यूचुअल फंड कोई भी खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी डाटा क्या रिकॉर्ड बताता है कि लास्ट डेट अगर है तो थोड़ा बहुत SIP अमाउंट में अंतर होता है। लास्ट डेट बहुत सारा डाटा, सारे स्कीम का जोड़ा, सारे म्यूचुअल फंड का डाटा लिया, SIP का डेट अलग अलग सेट किया, लास्ट में देखा कि 1-2 लाख रुपया का फर्क पड़ रहा है। यदि डेट 25, 26, 27, 28 ऐसे रखते, अगर 1 तारीख ना रखे, 5 तारीख ना रखे, 10 तारीख ना रखे, 25 से 30 के बीच रखते, तो 1-2 लाख रुपया का फर्क पड़ता आने वाले 20 साल में, इन्हें 1-2 साल, 3 साल में नहीं, 20 साल में। अभी एक रिकॉर्ड यहीं देख लेते हैं। इसके पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप ये वीडियो देख के बोलेंगे राजू भैया मेरा तो 5 तारीख को कट रहा है, हम 25 तारीख को कर देते हैं, आपने बोला है वीडियो में कि थोड़ा सा फर्क पड़ता है लंबे समय में, तो आपका सैलरी आता है 5 तारीख को, आप कहते हैं कि मेरा 25 कर दो ना, आपने तो बोला था वीडियो में, तो 25 अगर कर दीजिएगा, तो हमने ये देखा है जिसका सैलरी 5 तारीख को आता है, 25 तारीख के अकाउंट में पैसा बचता ही नहीं। आप कहेंगे, अभी कहेंगे मैं बचा लूँगा, कर लूँगा, इतना तो मेंटेन कर ही लूँगा, पूरे जर्नी में 1-2 SIP भी अगर मिस हो गया ना, तो जितना फायदा सोचा था ना, उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, 1-2 SIP मिस होने का ली बस। तो बेहतर है जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे कीजिए, हमारे लिए तो बात बराबर है, आपका पैसा 5 को कटे, 10 को कटे, 15 कटे, 20 कटे, 25 कटे, कभी भी कटे, लेकिन सैलरी अगर 5 को आता है, 25 करेंगे, तो आपका पूरे जीवन में 10-15 बार SIP मिस होगा ही होगा, और बैंक तो पहले से बैठा हुआ है कि जब मिस होगा 500-1,000 रुपया काट ही लूँगा चार्ज। आगे बढ़ते हैं, एक लाइव एग्जांपल देखते हैं कि ये डेट का चक्कर क्या है। SBI स्मॉल कैप पकड़ा है और 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ, 1 तारीख को कट जाए तो क्या होगा, 5 तारीख को कट जाएगा तो क्या होगा, 10, 15, 20, 25 कटेगा तो क्या होगा। यहाँ आप डाटा लेते हैं, यहाँ पे बेहतरीन डाटा, पहली बार म्यूचुअल फंड के इंडस्ट्री में ऐसा वीडियो बन रहा है। क्या लिखा हुआ है, SBI मचमच फंड, फंड का नाम SBI स्मॉल कैप, हर 5 तारीख को पैसा कटा 2009 से लेके 2023 तक, 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ चलता गया, तो ये पैसा जमा हुआ है लगभग 5 लाख रुपया और पैसा बना है 25,57,000, 21% का रिटर्न दिया है, 25,57,000 यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है, 25,57,000 अगर 5 तारीख को कटता है तो, यदि 1 तारीख को कटे तो, हर 1 तारीख को कटे 2009 से लेके अब तक, तो यहाँ देखते हैं
एक तारीख को अगर कटा है तो जमा तो उतना ही हुआ है, लगभग 5 लाख, 5 हज़ार रुपया कम, 25 लाख 63 हज़ार। तो यहाँ पे हमने लिखा है 25 लाख 63 हज़ार। उसी तरह हर 10 तारीख को कटा है 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ 2009 से अब तक, हर 10 तारीख को तो 25 लाख 49 हज़ार बना है। 15 तारीख को कटा है तो 25 लाख 45 हज़ार बना है। 20 तारीख को कटा है तो 25 लाख 45 हज़ार बना है। और 25 तारीख को कटा है तो 25 लाख 52 हज़ार बना है। तो इस तरह से पैसा बना है 25 लाख 52 हज़ार। इसके कैश फ्लो में जब जाएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है हर 25 को पैसा कट रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं 26, क्यों? सैटरडे संडे रहा होगा तो 25 को 27 को कभी भी कट सकता है। इसी तरह इसके कैश फ्लो में देखेंगे डेट हमने क्या सेलेक्ट किया है, डेट सेलेक्ट किया है हमने यहाँ पे 5 तारीख। कैश फ्लो में जाएंगे तो डेट अलग अलग देख सकते हैं, 5 तारीख 5 तारीख 7 तारीख को कट गया, 5 तारीख 5 तारीख 5 तारीख 5 तारीख 5 तारीख 7 तारीख को कट गया। बहुत कम चांस है कि 3 को 4 को पैसा कट जाए, लेकिन कभी कभी देखा गया कि पहले भी कैसा पैसा कट जाता है। ज़्यादातर केस में आपको पैसा बाद में ही कटता है, लेकिन 5 से लेके 2 दिन पहले या 2 दिन बाद आपको मेंटेन करना है। यदि हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है डेट 10 तारीख, तो कैश फ्लो में हमने कितना आएगा, हर 10 तारीख को पैसा कट रहा है, कभी 12 को भी कट रहा है, कभी 11 को भी कट रहा है। तो इस तरह से करके आप अलग अलग ड्यूरेशन में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाटा यहाँ पे बताता है, क्या बताता है यहाँ देख लेते हैं कि पहला 1 तारीख को जिसने पैसा इन्वेस्ट किया उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिला है, यहाँ उल्टा बता रहा है ये डाटा, क्योंकि सारे का एवरेज निकाल के एवरेज डाटा बताया है। तो आपके पर्टिकुलर फंड के लिए भी वही होगा, ये हो नहीं सकता है, वो एवरेज मतलब एवरेज ही है, वो ऐसे ही गणित है। एवरेज एक फार्मूला बना दिया, उसमें PhD करो, पढ़ाई करो, एक अलग स्ट्रीम बना दिया, एवरेज मीड मीडियन वैल्यूएबल कोई मतलब नहीं उसका, पर्टिकुलर जो है यहाँ पे अलग ही कहानी निकल के आ रहा है। 1 तारीख को ही 25 लाख 63 हज़ार बना रहे हैं, बाकी में देखेंगे 5 तारीख को 25 लाख 57 हज़ार बना रहे हैं, 10, 15, 20, 25 में कम है। और जबकि डाटा क्या बताता है, लास्ट के डेट में SIP अमाउंट थोड़ा सा 1-2 लाख रुपये का फर्क होता है, पर यहाँ पे उल्टा है। बेहतर है कि आपके हिसाब से बिजनेस मैन है तो 20-25 रखिए, सैलरी पर्सन है तो 5 तारीख को पैसा कटा दीजिए। मोटा मोटी ये बात है, जैसे पैसा आया अपना कटा दीजिए और छोड़ दीजिए 15-20 साल के लिए, तो वो अच्छा खासा रिटर्न आपको दे देंगे। इस तरह के कैलकुलेशन को यहाँ बोलते हैं बाल का खाल निकालना। बस मचमचपन में घुसते गए, ये भी क्वेश्चन वो भी क्वेश्चन सबका जवाब मिल जाए, लेकिन पैसा साधारण तरह से चलते रहिए, लंबे समय में पैसा बन जाता है। कुछ छेड़छाड़ कीजिएगा तो कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा। इतना तामझाम जानने के बाद आपके मन में क्वेश्चन होगा, साधारण तरह से बताइए, बच्चों के पढ़ाई के लिए 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ करना है तो कहाँ करूँ? तो यह भी मैंने सेलेक्ट किया है फंड SBI स्मॉल कैप, मतलब स्मॉल कैप कैटेगरी में लास्ट 13 ईयर्स लिया है, 13 साल इसलिए लिया है कि सारे फंड आ जाए। 15 साल लेता तो बहुत सारा फंड नहीं आता, क्योंकि उसका जन्म ही नहीं हुआ था 15 साल पहले। 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ लास्ट 13 साल SBI स्मॉल कैप में 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ जमा हुआ 2010 से लेकर अब तक, 7 लाख 80 हज़ार, 8 लाख जमा हो गया मान लेते हैं, 37 लाख रुपये बनाया है, 22% का रिटर्न है। दूसरा फंड है DSP स्मॉल कैप, 7 लाख 80 हज़ार जमा हुआ है, 30 लाख 44 हज़ार बनाया है, 19% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। कोटक है, फ्रैंकलिन है, HDFC, ICICI, क्वांट, इन सब में 1-1 हज़ार का SIP कर देंगे, टॉप 5 जो चल रहा है। तो यहाँ पे एवरेज अगर रिटर्न हम बात करते हैं, एवरेज रिटर्न 17.91% मिला है। मैं एक्सपेक्ट करने बोलता हूँ 15 से 16%, 15 साल टाइम देंगे इतना रिटर्न मिल जाता है। बच्चों का पढ़ाई हो, बच्चों का शादी हो, खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग हो, घर लेना है, तो इसी तरह से करके धीरे धीरे पैसा टॉपअप करते रहिए, SIP का अमाउंट बढ़ाते रहिए, आपका वेल्थ क्रिएशन लंबे समय में हो जाएगा। आपको म्यूचुअल फंड में इसी तरह कुछ और जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भी डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में बेहतरीन ऐप चाहिए तो ऐप का नाम है Asset Plus, इन्वेस्टर के लिए लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है, एकदम फ्री है। मिनिमम 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। यदि आप एडवाइजर हैं, म्यूचुअल फंड का काम पहले से कर रहे हैं, तो Asset Plus पार्टनर ऐप को आप डाउनलोड करके अपना काम कर सकते हैं। इम्पैनल 2 मिनट के अंदर हो जाएंगे, जो पहले से आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसका भी पोर्टफोलियो यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं। एक बार ID पासवर्ड जनरेट करके दे दिया, सारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर यहाँ पे दिख सकते हैं। 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर ऑन बोर्ड होके सारे फंड यहाँ पे देख सकते हैं। नया इन्वेस्टमेंट करना है तो यहीं पे Asset Plus के ऐप से आप करवा सकते हैं। पार्टनर के लिए अलग ऐप है, इन्वेस्टर के लिए अलग ऐप है। अगर आप ARN होल्डर हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके अपना काम बिजनेस को ऑनलाइन आप 10 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। जो भी पूछना है हम बताएंगे, सिखाएंगे। आप ऑनलाइन पहले से फिजिकल काम कर रहे हैं, ऑनलाइन यहाँ पे आ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक इसे जरूर करें। थैंक यू सो मच।